विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए सूर्यवाला की लिखी कहानी का सुधांशु शेखर द्वारा किया गया नाट्य रूपांतर, पीले फूलों वाली फ्रॉक। काफी देर हो गई, चलता हूं अब। लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप आए कैसे थे। मेरा मतलब काम। क्या तुम सचमुच अब भी ये जानना चाहती हो? अच्छा तो चलता हूं। तुम जा रहे हो 22 साल पहले के एक अल्लड़ अतीत को मंत्र बल से पुनरुज्जीवित कर। तुम जा रहे हो, तुम्हें अब शायद कभी न देख सकूं, लेकिन आश्वस्त हूं कि तुमने मुझे पीले फूलों वाली एक फ्रॉक में जीवन भर के लिए समेट कर रख दिया है। मनीषा, किसका फोन था? कोई कौशल वर्मा मिलना चाहता है। मैं तो नहीं जानता। बता रहा था कोई पुराना परिचित है। जरूर कोई काम होगा। कहा तो नहीं कुछ। अरे जरूर होगा कुछ, बिना बात के भला रिश्ता क्यों जोड़ेगा। इतने साल बाद अचानक, जरूर कोई नौकरी, सिफारिश, प्रमोशन का चक्कर होगा, वरना खैर मैं निपट लूंगी उससे। यू डोंट वरी। ओके। आई एम कौशल वर्मा। जी जी हाँ, अंदर आइए ना। आप मनु ही है ना? जी जी हाँ। लगता है आप मुझे ठीक से पहचान नहीं पाई, शायद भूल गई हैं आप। जी नहीं, तो पहचान तो रही हूँ आप शायद। अरे अरे केशी हूँ मैं। केशी? हाँ हाँ केशी ही सही, तो क्या हुआ। ऐसे ऐसे तो हजारों नाम जोड़े जा सकते हैं जिंदगी के इतिहास में, और फिर पता नहीं ये इतने साल बाद क्यों आया है। जरूर कोई। तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हें देखा था। जी हाँ, जाहिर है आप भी तब छोटे ही रहे होंगे। था तो, पर इतना नहीं कि सब कुछ भूल सकता। क्या? अच्छा क्या नहीं भूले आप? बताओ, सबसे पहले आप तुम्हारी पीले फूलों वाली फ्रॉक। मैं, मेरी फ्रॉक और पीला रिबन। रिबन? दो कसी चोटियों में गुथा हुआ पीला रिबन। पता नहीं, हाँ थोड़ी थोड़ी याद है उस पीले फ्रॉक की और रिबन की। मुझे पूरा याद है। बहुत साल हो गए ना। किस बात को? वही सन्नू बुआ की शादी को। हाँ तभी का तो देखा है आप, तुम्हें। मैंने भी तो। जाहिर है बिल्कुल, उस शादी में तुम याद है, एक शाम करीब आधे घंटे के लिए पूरे मोहल्ले की बिजली ही चली गई थी। हाँ हाँ
याद है मौसा जी, फूफा जी, सब लोग परेशान थे कि शादी की इतनी लगन तेज है, गैस के हंडे तक नहीं मिल रहे। हाँ, सब लोग ढूंढ ढूंढ कर मोमबत्तियां जला रहे थे। करने को कुछ नहीं था, सोचा चलो गाने की अंत्याक्षरी की जाए। एक ग्रुप में सब आदमी लोग और लड़के, और दूसरे में औरतें और लड़कियां। तुम्हारी वाली पार्टी तो एकदम बेकार थी, शर्माने वाली, और देर तक नाना करके पी पी करके गाने वाली लड़कियां, महा बेसुरा। लेकिन आपके ग्रुप में भी तो किसी को गाने का शऊर नहीं था, सब गलत गाते थे, उटपटांग। उससे क्या, हम सब किसी अक्षर के गिरते ही फौरन गाते थे, तुम लोग देर लगाती थी, और हर बार अपनी पार्टी को हार से बचाने के लिए तुम्हें ही गाना पड़ता था। हाँ, तो क्या करती। लेकिन कितने सारे गाने याद थे तुम्हें, बाप रे बाप, इतनी सी छोटी सी थी तुम, पर फिर भी जब गाती थी तो हमारी तरफ के सारे लोग सिर हिलाकर झूम जाते थे। पता नहीं क्या क्या गाती थी उन दिनों। मुझे याद है ना, तुमने कौन कौन से गाने गाए थे उस दिन। वैसे तो मुझे भी याद है, आप कैसे एक गाने के बीच के शब्द एकदम भूल कर शर्मा गए थे। सब लड़कियां हंसने लगी थी, अंधेरे में जिसे पता नहीं लग पाया उसके कान में फुसफुसाने लगी, बहराइच वाली भाभी के छोटे भाई है, बीच में भूल गए गाना। मेरी तरफ सब कहते हैं, वही पीली फ्रॉक वाली ना, अकेली झांसी की रानी की तरह लड़ रही है अपनी पार्टी के लिए, वरना सब तो बस फिसड्डी हैं। कितना कुछ याद है आपको। मुझे सब कुछ याद है, ये भी कि तुम्हारी पार्टी अंत में हार गई थी दत्त, और तुम आंगन के कोने वाले खंबे के पास जाकर चुपचाप रोई थी। नहीं नहीं तो, लेकिन आपको कैसे मालूम। अजीब बात है ना, ये रोने वाली बात केवल तुम जानती थी, फिर मैं कैसे जान गया। वही तो, आपने कैसे जान लिया, चारों तरफ तो अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में उस खंबे के पास से हाथ में मोमबत्ती लिए गुजरा था। जानबूझकर? ये नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं था। असल में बड़े भैया ने ताश मांगा था, मैं झटपट उठ गया था। लेकिन वो रोने वाली बात, मैं सोच रहा था कहीं तुम रो न दो, असल में तुम्हें दिलासा देना चाहता था। सच, बहुत बुरी लग रही थी तुम्हारी हार, बहुत बहुत ममता आ रही थी तुम्हारे रोने पर। तुम्हें याद है उस शादी में तुम एक बार शायद आटे चावल वाली कोठरी में गई थी और जोर से चीख उठी थी, सब घबरा कर दौड़े थे उधर। बात यह थी कि तुम्हारा पैर एक बड़े से चूहे पर पड़ गया था, याद है तुम्हें। थोड़ा थोड़ा। लेकिन नहीं, मैं झूठ बोली थी, मुझे वो बात पूरी की पूरी याद है, एक बार रवि और बच्चों को भी बताई थी, पर वे फ्रॉक पहने चोटी किए मेरी 12 साला लड़की की कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे। तब मैं सोच रही थी कोई मुझे रोते हुए देखता क्यों नहीं, ये कोई कौन हो सकता है, एक अधूरा सा एहसास। जब तुम गुजरे मैंने सोचा काश तुम ही देख लेते। मुझे ये भी याद है कि मैंने सोचा था तुम्हें भी मेरा गाना अच्छा लगा होगा क्या, मुझे ये भी याद है, और ये भी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। रवि जी कब तक आते हैं। रवि? हाँ, आते ही कभी भी आ सकते हैं, मेरा मतलब है टाइम हो गया है। लेकिन क्या सोचने लगे हो। मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, यही कि इतनी देर हो गई, आपको चाय कॉफी के लिए तक नहीं पूछा मैंने। हाँ, सो तो है, लगता है काफी सोचने समझने के बाद ही किसी को चाय कॉफी पूछती हो तुम। असल में मैं सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं था कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि बाकायदा चाय कॉफी के लिए मुझे भी पूछोगी। मैं भी आई। हेलो हेलो मानी। रवि, कितनी देर है तुम्हें आने में। अरे भाई, मैं अगर जरा देर से आऊं तो कोई हर्ज। ऐसी भी क्या बात है। हाँ भाई, बड़ा जरूरी काम है दफ्तर में। अरे हाँ, वो कौशल वर्मा है या गए है। अरे चलता करो उसे, और
बुखार? पता नहीं, अभी तक टेम्परेचर नहीं ले पाई हूँ, कम लगता है वैसे। ओके देन, सी यू, बाय। बाय। रवि जी का फोन था। हाँ। आ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ जरूरी काम आ गया है, आपसे क्षमा मांगी है। हो, पर आ गए होते तो अच्छा होता, मन था उनसे मिलने का। अच्छा, सुना है बहुत अच्छे नेचर के हैं। वो कैसे मालूम? यूं ही कभी कहीं बातों में किसी ने बताया था। अच्छा, ये बताइए, शादी तो बहुत पहले ही हो गई थी ना आपकी, पत्नी बच्चे? एक अदद पत्नी नीरू और दो बच्चे मधु और रवि। अच्छा, अब काफी देर हो गई, चलता हूँ अब। लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप आए कैसे थे, मेरा मतलब है किस काम से? क्या तुम अब भी जानना चाहती हो सचमुच? मैं अच्छा तो तुम जा रहे हो 22 साल पहले के अल्लड़ अतीत को मंत्र बल से पुनरुज्जीवित कर तुम जा रहे हो। तुम्हें अब शायद मैं कभी न देख सकूं, लेकिन आश्वस्त हूं कि पीले फूलों वाली फ्रॉक में जीवन का, जिंदगी का ये टुकड़ा तुम्हारे नाम, तुम्हारे हवाले, ये सिर्फ मेरा अपना और तुम्हारा है, रवि और बच्चों तक की साझेदारी नहीं। लेकिन ये सच है, और ये भी, कि एक यवनिका धीरे धीरे अदृश्य होती जा रही है, एक हतप्रभ गृहिणी के पास चेतना वापस लौट रही है। पल्लू ही नहीं, एक पूरी सदी का एक छोर भी मेरी मुट्ठियों में है, ये भी सच है। पीले फूलों वाली फ्राक। हवा महल कार्यक्रम में भी आपने सूर्यवाला की लिखी कहानी का सुधांशु शेखर द्वारा किया ये नाट्य रूपांतर सुना। प्रस्तुतकर्ता अनूप सेठी। इसके साथ ही आवाज का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है।